हेलो एवरीवन, ये नंबर सिस्टम की वन शॉर्ट वीडियो है जिसमें टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन बिटवीन द नंबर सिस्टम्स को कवर किया गया है। नंबर सिस्टम क्या है और कंप्यूटर्स में डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। द नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स। नंबर सिस्टम एक तरीका है, एक वे है जिसकी हेल्प से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। एवरी नंबर सिस्टम हैज़ अ सेट ऑफ यूनिक करेक्टर्स और लिटरल्स। नंबर सिस्टम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टर्स या लिटरल्स को कंटेन करते हैं। लिटरल्स क्या होता है, आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं, लाइक आपका इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एक्सेट्रा। ओके, द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडिस और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, राइट, उतना ही उसका क्या होता है, रेडिस होता है या बेस होता है। मान लो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स, तो डेसिमल नंबर का बेस क्या होगा, 10 होगा। बेस्ड ऑन द बेस वैल्यू एंड द नंबर ऑफ अलाउड डिजिट्स। एक नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू क्या है और वो कितने नंबर्स को अलाउड करता है, मीन्स वो कितने डिजिट्स को अलाउ करता है। नंबर सिस्टम्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। ओके, इसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, नंबर सिस्टम को कैटेगराइज कर रहे हो कि उसके अंदर कितनी, वो एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम कितने डिजिट्स को अलाउ करता है, उसकी बेस वैल्यू क्या है, राइट। द फोर कॉमन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम सपोर्टेड बाय द कंप्यूटर्स आर। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि कंप्यूटर कौन कौन से नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। फर्स्ट वी हैव द डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वी हैव द डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 10 नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बेस 10 नंबर सिस्टम है। इन दिस नंबर सिस्टम द डिजिट 0 to 9 रिप्रेजेंट नंबर्स। अब इसको बेस 10 नंबर सिस्टम क्यों कहा गया है, क्योंकि ये 10 डिजिट्स को अलाउ कर रहा है। ओके, फ्रॉम 0 to 9, तो इसके अंदर आप कौन कौन सी डिजिट्स आ गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ओके, तो इन डिजिट से जो भी नंबर बनेगा वो कौन सा नंबर होगा, डेसिमल नंबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, 5, 6, तो ये मेरा कौन सा नंबर है, ये मेरा डेसिमल नंबर है। ओके, एज इट यूजेस 10 डिजिट टू रिप्रेजेंट अ नंबर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बेस 10 नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम 10 डिजिट का यूज़ करता है एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, राइट। The decimal number system is a positional value system in which the value of a digit depends on its position. तो decimal number system एक positional value system है, ओके, जहाँ पे किसी भी digit की value कैसे जानी जाती है, उसकी position के according. ओके, कैसे, देखो, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द डेसिमल नंबर 729। हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 729, वी नो डैट द डिजिट 7 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 700। तो यहाँ पे जो 7 डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 700 को। द 2 रिप्रेजेंट 2 टेंस, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 9 रिप्रेजेंट द यूनिट्स। ओके, अगर आप इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, देखो, अगर इस नंबर को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द जो उसकी वैल्यू है, पोजिशनल वैल्यू है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देखो 9 क्या है, यूनिट प्लेस पे, तो 9 × 10⁻⁰। ओके, तो ये क्या, 10⁻⁰ क्या हो जाएगा आपका, 1, राइट। तो 2 × 10⁻⁰, ओके, क्योंकि 2 किस पे है, 10th प्लेस पे है। देन आपका 7 क्या है, 100 प्लेस पे है, तो आपका 7 × 10⁻² ओके, 700 + 20 + 9। ओके, अगर आप इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 729 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में सिंपली आपको ये बताया गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो अपनी, उनकी जो वैल्यू होती है वो उनकी पोजीशन पे बेस्ड होती है। जैसे 7 की जो वैल्यू है वो 700 है, राइट। ओके, 2 की वैल्यू है वो क्या है, 20 है। 9 की वैल्यू क्या है, 9 है। ओके, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। ओके, द वैल्यू ऑफ द पोजीशन इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द नंबर। डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे आप राइट की तरफ जाते हो, लेफ्ट टू राइट आप जाते हो, तो क्या होता है, आपकी 10 की वैल्यू जो आपकी 10 की वैल्यू है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखो, पहले 10 की वैल्यू जो थी 10⁻⁰ थी, देन 10⁻⁰, देन 10⁻² 10⁻³ लाइक दिस। ओके, एवरी पोजिशन शोज अ पर्टिकुलर पार ऑफ द बेस 10। जितनी भी पोजिशंस होती है डेसिमल नंबर के अंदर, जितना बड़ा डेसिमल नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लिया 8762, ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है,
ओके, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा आपका, 2 × 10⁻¹⁰। ओके, एंड आपका 6 कैसे रिप्रेजेंट होगा, प्लस 6 × 10⁻¹⁰। ओके, 7 × 10⁻¹⁪। देन 8 × 10⁻³। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पार इंक्रीज होती चली जाएगी। एवरी पोजीशन शोज अ पर्टिकुलर पार ऑफ द बेस 10। फाइन, देखो फिर से देख लो, द वैल्यू ऑफ द पोजीशन इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स। हर बार 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो, वैसे आपकी 10 की पार क्या होती है, इंक्रीज चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, राइट। बट जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका नंबर कौन सा निकल के आएगा, आपका सेम ये नंबर निकल के आ जाएगा। फाइन, तो आपका ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है जो 10 डिजिट्स को अलाउ करता है। कौन कौन सी डिजिट आ गई इसके अंदर, 0 to 9 डिजिट्स आ गई हैं। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, इसका बेस क्या है, 2 है। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ अ स्विच। कंप्यूटर सिर्फ ऑन एंड ऑफ स्टेट समझता है, राइट। दीज टू स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 और 0। तो अगर ऑन है तो क्या कंसीडर होगा, 1, और ऑफ है तो क्या कंसीडर होगा, 0। द कम्बिनेशन ऑफ 1 और 0 फॉर्म बाइनरी नंबर्स। तो इन दोनों का, ऑन एंड ऑफ स्टेट का, 0, 1 की स्टेट को क्या माना जाता है, बाइनरी नंबर्स माना जाता है। ओके, और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, जिसके अंदर जो डेटा है किस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, दिस नंबर रिप्रेजेंट वेरियस डेटा, एज 2 डिजिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स, इट इज कॉल्ड बाइनरी और बेस 2 नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 डिजिट्स का सिर्फ यूज किया जाता है, 0 और 1, और इसकी हेल्प से ही कोई एक पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब नॉट ओनली 1 नंबर, आप इससे जितना भी कंप्लीट डेटा है उसको रिप्रेजेंट करोगे, बट किस फॉर्म में, 0, 1 की फॉर्म में। फाइन, इसलिए इसको बाइनरी और बेस 2 नंबर सिस्टम कहा जाता है। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस पोजिशनल नोटेशन, बट इन दिस केस ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय द अप्रोप्रिएट पावर ऑफ 2। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बाइनरी नंबर भी क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में भी जो वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर डिजिट की, वैल्यू होती है वो उसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग ही मानी जाती है। पर यहाँ पे क्या है, जितनी भी डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, पावर ऑफ 2, बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन। जैसे हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है, 1 0 1 1 0 1। ओके, अब इसे अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1 × 2⁻¹⁰। ओके, ये आपका यूनिट प्लेस हो गया। देन आपका ये ऐसे इस टाइप से 0 × अब सेकंड क्या आपका 0 × 2⁻¹⁰, फिर 1 × 2⁻¹⁰, देन 1 × 2⁻¹⁰, देन 0 × 2⁻¹⁴, देन 1 × 2⁻¹⁵, लाइक दिस। ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को। फाइन, तो यहाँ पे जो ये आपका बाइनरी नंबर था, अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 45 है, राइट। ओके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, बेस 2 नंबर सिस्टम है। ओके, उसके अंदर ओनली 2 डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, 0 और 1, एंड 0 और 1 की हेल्प से ही जितना भी डेटा है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 45 को रिप्रेजेंट किया गया है किसकी हेल्प से, 1 0 1 1 0 1 की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट 0 to 7, दैट इज 8 डिजिट टू रिप्रेजेंट नंबर्स, सो इट्स बेस इज 8। ऑक्टल नंबर में 8 डिजिट का यूज किया जाता है, 0 से लेकर 7 डिजिट का यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से ही नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसकी बेस वैल्यू भी 8 है। तो इसमें कौन कौन से डिजिट अलाउड हैं, 1 0 1 2 3 4 5 6 and 7। तो अगर मैंने कोई नंबर लिखा 3 4 7, तो ये मेरा क्या है, ऑक्टल नंबर है। अगर मान लो मैंने लिखा 3 4 9, तो ये क्या ऑक्टल नंबर है, नहीं है, क्योंकि इसमें 9 का यूज़ किया गया है, तो ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। ओके, दिस नंबर सिस्टम इज ऑल्सो यूज टू शॉर्ट एंड लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। इस नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम को शॉर्टन करने के लिए, उसको थोड़ा छोटा करने के लिए, क्योंकि बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे डिजिट्स का यूज़ किया जाता है। द 3 बाइनरी डिजिट्स कैन रिप्रेजेंट अ सिंगल ऑक्टल नंबर। तो 3 बाइनरी डिजिट्स एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। फाइन, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपके पास टेबल है, बाइनरी इक्विवेलेंट्स दिए गए हैं, जैसे 0
है ऑक्टल नंबर, तो इसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 000, देन 1 है आपका 001, देन 2 है 01010, ओके लाइक दिस। ओके अगर हम इसको देखो वैसे करते हैं, अगर आप खुद करना चाहते हो तो यहाँ पे एक मेथड होता है, इसको कंसीडर करेंगे 1, इसको कंसीडर करेंगे 2, इसको कंसीडर करेंगे आप 4, फाइन। तो जीरो में तो जीरो के केस में तो साइज जीरो होंगे, फिर वन के केस में जहाँ पे वन वाला है वहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है, और टू के केस में टू वाला में टू जो जहाँ पे टू है वहाँ पे वन आ जाएगा, अब थ्री के केस में टू और वन दोनों में वन आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये मैं आप जैसे अगर खुद से करना चाहो तो उसके लिए सिखा रही हूँ आपको। फोर के केस में आपके पास यहाँ पे आ गया वन और बाकी के दो जीरो, अब आपका फाइव, तो आपने फोर और वन के प्लेस पे वन लगा दिया, देन आपका सिक्स, आपने फोर और टू के प्लेस पे वन लगा दिया, देन आपका सेवन, तो आपने तीनों में लगा दिया वन, ओके। तो इस तरीके से आप ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग बाइनरी नंबर्स, फाइन। ईच डिजिट इन एन ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बेस, एक ऑक्टल नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो बेस 8 की एक स्पेसिफिक पावर को शो करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, 24 आपका ऑक्टल नंबर है जिसे आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, 4 इंटू 8 रेस टू पावर 0 प्लस 2 जो आपका 2 नंबर है, 2 इंटू 8 रेस टू पावर 1, तो ये जो आपका 24 जो एक ऑक्टल नंबर है अगर डेसिमल में कन्वर्ट हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20, फाइन। ओके नेक्स्ट वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, दिस इज बेस 16 नंबर सिस्टम। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 16 डिजिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स का यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दस इट इज ऑल्सो नोन एज द बेस 16 नंबर सिस्टम, इसलिए इसको बेस 16 नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसमें कौन कौन से डिजिट्स अलाउ हैं, इसमें डिजिट्स अलाउ हैं फ्रॉम 0 to 9, ओके। डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर टेकन लाइक द डिजिट्स इन द डेसिमल नंबर, जितने डेसिमल नंबर में भी 0 to 9 थे तो इसमें भी 0 to 9 नंबर्स को लिया गया है, ओके। बट द डिजिट्स फ्रॉम 10 to 15 आर रिप्रेजेंटेड एज, और 10 to 15 डिजिट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ओके, फ्रॉम एज ए टू एफ, 10 को रिप्रेजेंट किया गया है एज ए, 11 को एज बी, 12 को एज सी, 13 को एज डी, 14 को एज ई एंड 15 को एज एफ, ओके। दिस नंबर सिस्टम इज ऑल्सो यूज टू shorten लॉन्ग बाइनरी नंबर, जैसे ऑक्टल में क्या किया, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को शॉर्ट करता है, वैसे ही hexadecimal नंबर का भी यूज किया जाता है बाइनरी सिस्टम को शॉर्ट करने के लिए, ओके। द फोर बाइनरी डिजिट्स कैन रिप्रेजेंट, फोर बाइनरी डिजिट्स कैन रिप्रेजेंट वन hexadecimal नंबर, ओके। तो फोर बाइनरी डिजिट्स एक पर्टिकुलर hexadecimal नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ईच डिजिट इन एन hexadecimal नंबर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पार ऑफ इट्स बेस, एक हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो बेस 16 के एक पर्टिकुलर पार को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 24, ओके, तो अगर आप इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करोगे, 4 इंटू 16 रेस टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 रेस टू पावर 1 और आगे और नंबर होता तो 16 रेस टू पावर 2, 16 रेस टू पावर 3 लाइक दिस, ऐसे वो कंटिन्यू होता। तो ये आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर 24 है वो डेसिमल में क्या होता है, 36, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट्स, बाइनरी जैसे हेक्साडेसिमल क्या है, यहाँ पे जीरो है तो बाइनरी उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0 0 4 times 0, हेक्साडेसिमल यहाँ पे 1 है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1 0 0 0 लाइक, तो इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, 1 फिर देन ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 सॉरी ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ओके, 1 2 4 और ये आपका हो गया 8, फाइन, दिस इज योर 8। अब देखो 1 में आपने 1 वाले पे कर दिया, 0 तो सारे 0 ही रहेंगे, 2 में आपने 2 पर 1 लगा दिया, देन 3 में आपने 2 प्लस 1 पे लगा दिया, देन आपने 4 में यहाँ पे लगाया है, ओके, 5 में आपने क्या किया है, 4 एंड 1 में लगा दिया, इसे आप खुद बना सकते हो, खुद कन्वर्ट कर सकते हो इन डिजिट्स को, ओके, 6 में आपने क्या किया है, 4 एंड 2 के प्लेस पे लगा दिया 1, 7 में आपने क्या किया, 4 6 और 1 पे लगा दिया है यहाँ पे, 8 में आपने 1, क्योंकि यहाँ पे जो ये लास्ट वाला 0 0 क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, 8। तो ये फर्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, द इंटीजर एंड द फ्रैक्शन पार्ट्स ऑफ द डेसिमल नंबर आर हैंडल्ड सेपरेटली फॉर फाइंडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो आपका डेसिमल नंबर है अगर वो क्या है, फ्लोट है, उसमें इंटीजर पार्ट भी होगा फ्रैक्शन पार्ट भी होगा, राइट, तो वो दोनों इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा, अलग अलग तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी फॉर्म में, फाइन।
फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेप टू कन्वर्ट इंटीजर पार्ट. मान लो आपके पास इंटीजर पार्ट है या ओनली इंटीजर नंबर है, ओके, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय यूजिंग द मेथड रिपीटेड डिवीजन. फर्स्ट डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय टू, ओके, बेस वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट. तो अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसको रिपीटेडली डिवाइड करोगे बाय टू, बिकॉज टू क्या है, बाइनरी का बेस नंबर है, ओके, बेस वैल्यू है. तो यहाँ पे हमने वही सेम एग्जांपल लिया, आपने क्या, हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 5, उसको क्या किया है, मल्टीपल टाइम्स, मतलब उसको डिवाइड किया है, ओके. उसके बाद क्या करना है, राइट द कोशेंट ऑब्टेन इन द स्टेप 1 बिलो द नंबर. कोशेंट जो होता है, राइट, उसको हम बिलो द नंबर लिखते हैं, जैसे 2 2 4, तो यहाँ पे 2 क्या है, कोशेंट है, उसको बिलो द नंबर लिखा है, ठीक है. दिस बिकम्स द न्यू नंबर. अब ये क्या बन गया, कोशेंट जो आया हमारे पास वो नया नंबर बन गया. अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ओके. नाउ 2 1 2, अब यहाँ पे 1 क्या है, हमारा कोशेंट है, लाइक दिस. राइट द रिमाइंडर्स एट द राइट इन द कॉलम. अब रिमाइंडर्स को आप साइड में लिखते जाओ, राइट में, ठीक है, राइट कॉलम में. रिपीट स्टेप्स 1 2 3, यहाँ पे जो आपके 1 2 3 ये तीनों स्टेप्स हैं वो रिपीट करने हैं अंटिल अ जीरो इज ऑब्टेंड एज अ न्यू नंबर, या तो जो न्यू नंबर है वो एज अ जीरो आ जाए, ओके, डैट इज क्वेश्चन बिकम्स जीरो, जो आपका क्वेश्चन है वो जीरो हो जाए, ओके. राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर बॉटम टू टॉप इन विच दे आर कंप्यूटेड. और रिमाइंडर कैसे आपको लिखने हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके. तो कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि आपका क्वेश्चन जीरो ना हो जाए, फाइन, ओके. तो ये मैंने आपको एग्जांपल अभी समझाया भी था, 5 को आपने डिवाइड किया, आपके पास रिमाइंडर्स आ गए हैं 1 0 1, आप कहाँ से उसको कंप्यूट करोगे, फ्रॉम बॉटम, ओके, दिस 1 एंड देन 0 देन 1, ओके. नाउ अब हमने क्या किया, इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट किया या इंटीजर नंबर को कन्वर्ट किया. अगर मान लो आपके पास फ्लोट वैल्यू है तो आप उस फ्लोट वैल्यू में फ्रैक्शन पार्ट को कैसे कंप्यूट करोगे, स्टेप टू कन्वर्ट फ्रैक्शन पार्ट, ओके. अब हमारे पास एक डेसिमल नंबर है जो क्या है, फ्लोट है, राइट. मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय 2. अगर आपके पास फ्लोट नंबर है या फ्लोट वैल्यू, मान लो मेरे पास है 25.2, राइट, तो ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 25.2. तो देखो 25 में तो आप क्या करोगे, रिपीटेड डिवीजन करोगे. रिपीटेड डिवीजन मतलब 25 को आप डिवाइड करते जाओगे 2 से अगेन एंड अगेन, जब तक कि क्वेश्चन क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता, ओके. क्योंकि 25 क्या है, इंटीजर पार्ट है, ओके. 25 क्या है, आपका इंटीजर पार्ट है. लेकिन 2 क्या है, आपका फ्रैक्शन पार्ट है. अब 2 को आप कैसे सॉल्व करोगे, अब 2 को हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय 2. 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करते जाओगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे मान लो यहाँ पे 25 होता, तो यहाँ पे 25 को आप कैसे सॉल्व करते, आप इसको मल्टीप्लाई करते जाते, इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, ओके. द प्रोडक्ट हैज़ एन इंटीजर पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट. अब यहाँ पे देखो, एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मेरे पास एक ये वैल्यू है, ओके, 0.625 को मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया. अब मेरे पास जो रिजल्ट आया, प्रोडक्ट आया, उसमें एक क्या है, इंटीजर पार्ट है, एक फ्रैक्शन पार्ट है. तो जो इंटीजर पार्ट है उसको मैं अलग रखती जाऊंगी, यहाँ पे 1 को ले लिया मैंने, ठीक है, ओके. राइट द इंटीजर पार्ट इन अ कॉलम, एक इंटीजर पार्ट को अलग कॉलम में लिख लिया. द फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स द न्यू फ्रैक्शन. अब जो फ्रैक्शन पार्ट आया 0.25, वो क्या बन गया, न्यू फ्रैक्शन बन गई, जिसको किससे मल्टीप्लाई होना है, 2 से, ओके. 0.2 जो आपका आया 250 इंटू 2, अगेन आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अब आपके पास क्या है, 0.500. तो जो आपका 0 है वो क्या है, इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट को आपने अलग रख दिया. फिर आपने 0.500 को फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर आपका आ गया 1.000, ओके. तो यहाँ पे 1 क्या है, आपका इंटीजर पार्ट है, ओके. अब यहाँ पे देखो, अब जो यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था 0.625, डेसिमल नंबर था, डेसिमल नंबर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में. और इसके बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे देखो. अब इस केस में कैसे काउंट करोगे आप, इस केस में काउंट करोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके. जब आप क्या कर रहे हो, फ्रैक्शन पार्ट को ले रहे हो, और आप यहाँ पे क्या करना है, आपको रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन करना है विद द बेस वैल्यू, और आप कैसे इसको काउंट करोगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 1 0 1, राइट.
रिपीट स्टेप 1, 2, 3 अंटिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स जीरो। और ये स्टेप्स कब तक आपको फॉलो करने हैं तीनों, जब तक कि जो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन, अब देखो फ्रैक्शन पार्ट इसमें 0, 0, 0 आ गया, फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स द जीरो और द डिजायर्ड नंबर ऑफ द बाइनरी प्लेसेस आर ऑब्टेंड, या फिर आप जितने बाइनरी प्लेसेस चाहते हैं, जितना आप फ्रैक्शन पार्ट चाहते हैं उतना आपको मिल गया है। ठीक है, राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू फॉर्म द रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। और यहाँ पे जो आप इंटीजर पार्ट देखोगे वो टॉप टू बॉटम देखोगे, बॉटम टू टॉप नहीं देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटीजर पार्ट के लिए आपके पास होता है रिपीटेड डिवीजन और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपके पास होता है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन बाय द बेस वैल्यू। ओके, नाउ अब एक एग्जांपल और देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। अब आपके पास एक नंबर है, ये फ्लोट नंबर है 4.8125 डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब जो इसका 4 है वो क्या है, इंटीजर पार्ट है, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट यूजिंग रिपीटेड डिवीजन। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, आप रिपीटेड डिवीजन की हेल्प से सॉल्व करोगे। और 8125 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से। फाइन, तो यहाँ पे देखो आपने 4 को सॉल्व किया यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन की हेल्प से। ओके, आपके पास यहाँ पे 2 2 4 रिमाइंडर 0, 2 1 2 रिमाइंडर 0 एंड 2 0 2 into 0 इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, इसके इंटीजर पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब इसका डेसिमल पार्ट कैसे सॉल्व होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसके इंटीजर पार्ट को अलग हम रखते जाएंगे। 1 आ गया, अब 0.625 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपके पास फिर 1 आ गया, तो आपने इसको अलग रख दिया। फिर देन 0.250 को आपने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका 0.5 आ गया, तो आपने 0 को यहाँ रख दिया अलग। ठीक है, अब फिर 0.5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आपके पास 1 आ गया और आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया 0। अब फ्रैक्शन पार्ट 0 हो गया, तो हम इसको यहाँ तक ही करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका, अब यहाँ इसको आप लिखोगे कैसे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप ऐसे लिखोगे 1 1 0 1 लाइक दिस। ठीक है, 1 1 0 1, तो अगर इसका कंप्लीट आप देखोगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, तो क्या हुआ है आपका 4 का कन्वर्जन क्या था, 100 पॉइंट, और आपके उसके बाद क्या है, 1101। ओके, नाउ वी हैव कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। द इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट्स ऑफ द डेसिमल नंबर आर हैंडल्ड सेपरेटली फॉर फाइंडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्टल इक्विवेलेंट। राइट, तो अगर आपके पास सिंपली इंटीजर नंबर है, मान लो आपके पास 25 है जो एक इंटीजर नंबर है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे ऑक्टल में, आप इसको रिपीटेडली डिवाइड करोगे बाय द नंबर 8, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस वैल्यू है वो क्या है, 8 है। और आपके पास अगर फ्लोट नंबर है, मान लो मेरे पास नंबर है 25.2, राइट, तो जो इसका इंटीजर पार्ट है वो आप कन्वर्ट करोगे बाय यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन एंड आपका, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आप कन्वर्ट करोगे बाय यूजिंग द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। फाइन, तो यहाँ पे हम देखो स्टेप देखते हैं, स्टेप्स टू कन्वर्ट इंटीजर पार्ट। फर्स्ट डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 8, बिकॉज बेस वैल्यू ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। फाइन, तो यहाँ पे हम क्या करें, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेसिमल नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करेंगे बाय द बेस वैल्यू ऑफ द ऑक्टल नंबर, और बेस वैल्यू क्या है ऑक्टल नंबर की, 8। फाइन, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, राइट द क्वेश्चन ऑब्टेन इन स्टेप 1 बिलो द नंबर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, जब आप 266, यहाँ पे 266 है, फाइन, जैसे मैं एक बार डिवीजन करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे 266 है आपका नंबर, फाइन, आपने उसको 8 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपने लिया 33 लिया। ओके, 33 क्या है आपका, क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आएगा आपका 264 आएगा, जब आप 8 को 33 से मल्टीप्लाई करते हो तो 264 आएगा, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया 2। तो देखो जो क्वेश्चेंट वाला पार्ट है वो न्यू नंबर बन जाएगा, वो न्यू नंबर बन गया, और रिमाइंडर आप साइड में लिख दोगे, वो है हमारा 2। फाइन, ओके, अब हम क्या करेंगे, 8 को जो 33 आया है 8 उसको डिवाइड करेगा, राइट, तो यहाँ पे जो 33 आया है 33 को हम आप अगेन डिवाइड करोगे 8 से, राइट, आप 8 से डिवाइड करोगे, आपने 8 फोर ज़ा किया होता है 32, फाइन, 8 फोर ज़ा किया 32, तो आपका रिमाइंडर बन गया 1 आ गया। अब देखो, अब हमने क्या किया, 8 इंटू ज़ीरो क्या होता है 0, तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है,
यहाँ पे अगर आपने किया, ये जो आपका 4 आया है नंबर और आप इसको 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपने किया 8 0, तो यहाँ पे 0 आया और रिमाइंडर क्या बच गया आपका 4, राइट right? तो इस तरीके से आप कब तक डिवाइड करते रहोगे नंबर को, जब तक कि आपका क्वेश्चन क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, ठीक है। इट बिकम्स द न्यू नंबर, राइट द रिमाइंडर एट द राइट इन द कॉलम, हमने रिमाइंडर अलग लिख दिया है। रिपीट स्टेप 1 2 3 until 0 is obtained as the new number, जब तक कि 0 remain, जो आपका quotient है वो 0 नहीं हो जाता, that is the quotient becomes 0. Write the remainder in reverse order. अब इसका देखो, जैसे यहाँ 266 है आपका decimal number है, okay, यहाँ पे उसका octal conversion क्या होगा, यहाँ पे हम लेंगे जो remainder आया है उसको हम किस फॉर्म में लेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो सबसे पहले आपका 4 आया है, देन 1 आया है, देन 2 आया है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, 4 1 2, राइट। नाउ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल, अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप्स टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ओके, तो आप डेसिमल नंबर, जो आपका फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है, आप उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय 8। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास फ्रैक्शन है, मान लो हमारे पास डेसिमल नंबर है 0.3, इसको हम रिपीटेडली 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। द प्रोडक्ट हैज एन इंटीजर पार्ट एंड अ फ्रैक्शन पार्ट, जो इसका रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसमें एक इंटीजर पार्ट होता है, एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। इंटीजर पार्ट को आप अलग लिख दोगे और जो इसका फ्रैक्शन पार्ट आया है वो अगेन क्या बन जाएगा, न्यू नंबर, न्यू फ्रैक्शन नंबर बन जाएगा, जिसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखो, राइट द इंटीजर पार्ट इन अ कॉलम, द फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स द न्यू फ्रैक्शन, ये आपका न्यू फ्रैक्शन बन गया, ओके। रिपीट स्टेप्स 1 2 3 अंटिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम्स 0, ये कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो जाता, या फिर डिजायर्ड नंबर ऑफ ऑक्टल प्लेसेस आर ऑब्टेन, या फिर आपको जितने ऑक्टल प्लेसेस चाहिए, मतलब जितने आपको, मान लो 2 ऑक्टल प्लेसेस चाहिए, मतलब आपको डेसिमल के बाद जितने नंबर चाहिए उतने नहीं मिल जाते हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखो 0, ठीक हो, आपने पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, आपको 2.4 मिला, 2 क्या इंटीजर पार्ट आपने अलग लिख दिया, अब आपके पास है 0.4, उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 3.2, आपने 3 को अलग लिख दिया इंटीजर पार्ट को, फिर आपके पास 0.2 फ्रैक्शन आ गया इनटू 8, अब आपके पास रिजल्ट आ गया 1.6, जिसमें से 1 आपने निकाल लिया इंटीजर पार्ट, ओके। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 बचा, लेकिन हमारे पास 3 प्लेसेस ऑक्टल नंबर आ चुका है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं इसको, फाइन। अब देखो यहाँ पे जो आपका ये था 0.3 डेसिमल नंबर, अब वो कन्वर्ट हो चुका है 0.231। अब जब आप फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करोगे इन ऑक्टल फॉर्म, आप कहाँ से कहाँ पे जाओगे, रिमाइंडर को, जो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ है, ओके। तो इंटीजर वैल्यूज़ को आप कहाँ से कहाँ पे शो करोगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम 2 3 1, यहाँ पे 1 3 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 3 1 होगा, ठीक है, 2 3 1। राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू फॉर्म द रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर, ओके। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल, कन्वर्ट डेसिमल नंबर, हमारे पास एक नंबर है 60.3 टू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, फाइन। तो यहाँ पे 60 क्या है आपका, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर पार्ट है, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट यूजिंग रिपीटेड डिवीजन, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिवीजन से, एंड 0.3 को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन से, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन से, ओके। तो यहाँ पे आपने 8 7 56 किया, 56 किया तो 60 माइनस 56, आपके पास 4 रिमाइंडर आ गया, 8 7 56, ठीक है। यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे आपका 60 है, ओके, आपने किया 8 7 56, 8 7 56, तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 4, राइट, आपके पास रिमाइंडर आ गया 4। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट अब एक नया नंबर बन गया है, ओके। एंड अब देखो हमने क्या किया, 8 इंटू 0 हुआ और रिमाइंडर अब आपका आ गया 7। अगर यहाँ पे हम करते हैं 7 को और 8, क्या करेंगे, 8 इंटू 0 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 7। तो आपके पास क्या आ गया, 2 रिमाइंडर्स आ गए, 7 एंड 4। तो हम कहाँ से कहाँ चलेंगे, हम बॉटम टू टॉप चलेंगे। तो जो 60 इंटीजर पार्ट था उसका जो ऑक्टल कन्वर्जन है वो क्या है, 7 4, राइट। अब इसका जो डेसिमल पार्ट है, मीन्स उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे 0.3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, इसके 2 पार्ट्स आए नंबर के, 2 एंड 4, 2 क्या है इंटीजर पार्ट एंड 4 है फ्रैक्शनल पार्ट,
इंटीजर पार्ट को अलग रख देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब 3.2 आया तो 3 क्या इंटीजर, उसको अलग कर दिया, 0.2 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, अगेन हमने इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, हमारे पास 1.6 आ गया, 1 आपका इंटीजर पार्ट है। इस तरीके से आपने क्या किया, 3 प्लेसेस का ऑक्टल कन्वर्जन नंबर निकाल लिया है 0.3 का। फाइन, अब इसको ओवरऑल अगर इसका कन्वर्जन देखें तो 60.3 का आपने क्या किया, ऊपर से आपका ये आया 74 एंड आपका यहाँ से 231, ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम 231। फाइन, नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को आप हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास इंटीजर नंबर है विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट तो आप कैसे करोगे उसे, कन्वर्ट बाय यूजिंग द रिपीटेड डिवीजन मेथड। और यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, रिपीटेडली 16 से, क्योंकि 16 क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर की बेस वैल्यू है, राइट। तो देखो यहाँ पे हम, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक डेसिमल नंबर है 423, मैं करके दिखा देती हूँ एक बार, 423, ओके। आप इसको क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे तो आपने किया 16 into 26, तो आपके पास आ गया यहाँ पे 416, राइट, और रिमाइंडर आ गया आपके पास 7, रिमाइंडर 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका क्वेश्चन था 26, क्वेश्चन था आपका 26, ये आपका न्यू नंबर बन गया, आप 16 इसको डिवाइड करेगा, 16 1 16, रिमाइंडर आ गया आपका 10, ओके। नाउ आपके पास अब 1 आ गया है, 16 into 0 आपका हो गया 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। फाइन, तो हेक्साडेसिमल नंबर में कौन कौन से डिजिट होते हैं, 0 to 9 होता है आपका, ठीक है। एंड रेस्ट देखो यहाँ पे हम लेंगे 10 to 15, ओके। तो 10 टू 15 कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, 10 पहले इसको लिख लेते हैं, 10, 11, 12, ओके, 13, 14 एंड 15। 10 आपका हो गया ए, देन 11 बी, ए बी, 12 आपका हो गया सी, 13 हो गया आपका डी, 14 आपका हो गया ई एंड 15 हो गया आपका एफ, राइट। तो यहाँ पे हमारा 10 आया है, तो ये क्या कंसीडर होगा, अल्फाबेट ए, कैपिटल ए, राइट। अब जो आपका 423 डेसिमल नंबर था वो कन्वर्ट हो चुका है हेक्साडेसिमल में, आप उसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिमाइंडर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो 1A7, फाइन, रिपीट स्टेप 1, 2, 3 अंटिल 0 इज ऑप्टेन एज द न्यू नंबर। जब तक ये 0 नहीं आ जाता एज अ क्वेश्चन, तब तक आप क्या करते रहोगे, रिपीटेड डिवीजन करते रहोगे, फाइन। राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर बॉटम टू टॉप इन विच दे आर कंप्यूटेड। और रिमाइंडर जो आपका अब कन्वर्जन करके हेक्साडेसिमल नंबर आया है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिमाइंडर्स, और आप रिमाइंडर्स कैसे लिखोगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके। अगर आपको कन्वर्जन करना है फ्रैक्शनल पार्ट को या किसी भी फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में, ठीक है, तो अगर आपके पास फ्रैक्शनल मींस फ्लोट या डबल डेसिमल नंबर है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है 0.225, राइट, हम इसे रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे बाय 16, ये 16 क्या है, हेक्साडेसिमल का बेस नंबर है, फाइन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम 0.225 को 16 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो मेरा प्रोडक्ट आया है, रिजल्ट आया है, उसमें एक इंटीजर पार्ट है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर पार्ट को मैं अलग कर दूंगी और फ्रैक्शनल पार्ट अगेन मेरा न्यू फ्रैक्शनल नंबर बन जाएगा, जिसको मैं अगेन 16 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मेरे पास 9 आ गया एज अ इंटीजर पार्ट, ओके, पॉइंट आपका जो आया 6.600, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये अगेन आपका एक फ्रैक्शनल नंबर बन गया, आपने इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, अगेन आपके पास 9 आ गया। तो मुझे 3 प्लेसेस तक ही हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए डेसिमल नंबर का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखो जो आपके पास ये डेसिमल नंबर था 0.225 वो कन्वर्ट हो चुका है हेक्साडेसिमल में और वो क्या है 0.399, फाइन। तो ये प्रोसेस देखो, सेम प्रोसेस हमने अप्लाई किया था बाइनरी कन्वर्जन में, सेम प्रोसेस हमने किया था ऑक्टल कन्वर्जन में, सेम हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे जब लिखोगे इसको तो कैसे लिखोगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। इंटीजर जो आए हैं आपके बाहर वो टॉप टू बॉटम आप उसको लिखोगे, फाइन, ओके। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, फाइन। तो हमारे पास एक नंबर है 225.225, इसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल नंबर है, तो जो इसका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है उसको रिपीटेड डिवीजन से आप कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट है उसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से,
फाइन, तो 225 आपके पास है, यहाँ पर आपको 16 से इसको डिवाइड करना है। तो एक एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ, 225 16 से आप करोगे 14 करोगे, राइट, ये आपका हो गया 224, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चेंट है और ये आपका रिमाइंडर आ गया 1। अब आपने क्या किया, 16 × 0 आपका क्या हो गया 0 और रिमाइंडर आ गया आपका 14, राइट, और 14 एज अ कंसीडर होगा ई, कैपिटल ई, राइट। तो आपका जो ये नंबर था उसमें जो इंटीजर पार्ट था 225 उसका जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आया वो क्या आया है, E1, ओके E1, क्योंकि 14 को आपने 14 को आप कैसे लेंगे, एज ई, कैपिटल ई और 1, राइट। नाउ अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट आप करेंगे 0.225, फ्रैक्शनल पार्ट को आप रिपीटेडली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 16 से। तो आपने फर्स्ट इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 3.600 आ गया, ठीक है, 3 आपका इंटीजर नंबर है, आपने इसको बाहर कर दिया, ओके, अगेन आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो आ गया 0.660, उसको 16 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 9.600 आ गया, 9 को आपने बाहर कर दिया है बिकॉज ये क्या है, इंटीजर पार्ट है, ओके, और यही आपका रिजल्ट है जो इंटीजर पार्ट है, फाइन। अगेन आपने फ्रैक्शनल पार्ट को 16 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो चुका है डेसिमल नंबर का, ओके, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर का, फाइन। और अब इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। तो ये हमारे पास 0.225 जो डेसिमल नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट, उसका जो कन्वर्जन आया वो आया 0.399। अब इसको ओवरऑल कंक्लूड करके देखेंगे तो आपका आ गया, जो आपका नंबर है 225.225 का आया E1.399, ओके। आप दूसरे नंबर सिस्टम्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, आप ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। वी कैन यूज द फॉलोइंग steps to convert the given number with base value b to its decimal equivalent, where base value b can be 2, 8 and 16 for binary, octal and hexadecimal number system. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो number systems हैं जिनकी base value 2 है, 2 किसकी होती है binary की, 8 है, 8 होती है octal की, 16 है, 16 किसकी होती है hexadecimal की, okay? तो जिनकी ये following base values हैं, इन base values वाले number को आप 10 base value वाले नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 बेस वैल्यू किसकी होती है, डेसिमल नंबर की, ओके। तो इन दोनों का जो, इन तीनों का जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो सेम ही स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, राइट। तो वो स्टेप्स क्या है, देखो स्टेप वन क्या है, राइट द पोजीशन नंबर फॉर ईच अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इन द गिवन नंबर, राइट। आपके पास कोई भी नंबर दिया गया है, बाइनरी नंबर है या वो ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज़ किया गया, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल यहाँ पे क्यों किया गया है, क्योंकि जब हम हेक्साडेसिमल नंबर की बात करते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। आपका बाइनरी जो नंबर है, नंबर सिस्टम, उसमें सिर्फ आपके नंबर्स हैं, ऑक्टल में भी सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या है, हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर भी हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या कहा गया है, राइट द पोजीशन नंबर फॉर ईच अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इन द गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया गया है उसमें सबसे पहले आपको डिजिट्स की या सिंबल्स की पोजीशन लिखनी है। देखो सबसे यहां पे एक एग्जांपल दिया है बाइनरी नंबर का, राइट। तो यहां पे आपका सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी नंबर की डिजिट्स हैं वो लिख ली, ठीक है। यहां पे 1, ये हमारी डिजिट होगी 1101, ये हमारी डिजिट होगी। अब हमें क्या करना है, इनकी पोजीशन लिखनी है, पोजीशन। तो देखो जो फर्स्ट बाइनरी डिजिट है 1, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी यूनिट पोजीशन है, यूनिटरी पोजीशन है, ओके, और आप वंस पोजीशन भी कह सकते हो, वो होगी 0, ओके। उसके बाद सेकंड नंबर की पोजीशन है 1, थर्ड नंबर की पोजीशन है 2, और जो फोर्थ नंबर है उसकी पोजीशन है 3, ऐसे पोजीशन इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। तो आपने क्या किया, जो भी डिजिट्स हैं उनकी सबसे पहले पोजीशन लिख ली, ओके। पोजीशन लिखने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है गेट पोजिशनल वैल्यू फॉर ईच सिंबल। अब जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं आपके नंबर में, उसकी पोजिशनल वैल्यू आपको निकालनी है। पोजिशनल वैल्यू कैसे निकलेगी, बाय रेजिंग इट्स पोजिशन नंबर। पोजिशन नंबर इसका देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बाय रेजिंग इट्स पोजिशन नंबर टू द बेस वैल्यू
इन द गिवन नंबर. अब हम यहाँ पे किसका एग्जांपल ले रहे हैं, बाइनरी नंबर का ले रहे हैं. बाइनरी नंबर की बेस वैल्यू क्या है, 2 है. तो आप एक पर्टिकुलर डिजिट का पोजीशन वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालोगे, बेस वैल्यू रेज टू द पावर ऑफ पोजिशन नंबर. ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 raised to 0, ये किसकी पोजिशनल वैल्यू है, ये जो आपका फर्स्ट बाइनरी डिजिट है इसकी पोजिशनल वैल्यू है. ठीक है, देन 2 raised to power 1, राइट, 2 raised to power 1 किसकी, आपका सेकंड जो बाइनरी डिजिट है उसकी पोजिशनल वैल्यू. समझ में आया, देखो पोजिशनल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपका जो भी नंबर सिस्टम है, यहाँ पे हम बाइनरी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू क्या, वैल्यू हुई 2, तो उसमें आप डिजिट वाइज पोजिशन रेस करोगे. तो यहाँ पे देखो जो नंबर, जो फर्स्ट आपका बिट है ये 1, उसकी पोजिशन पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, 2 0. सेकेंड की क्या होगी, 2 raised to power 1, राइट. थर्ड की क्या होगी, 2 raised to power 2, ओके. फोर्थ की क्या होगी, 2 raised to power 3, लाइक दिस. तो ये आपका पोजिशनल वैल्यू आपको मिल गई है. ठीक है, अब देखो आपको पोजिशनल वैल्यू मिल गई, आपने यहाँ पे लिख दिया पोजिशनल वैल्यू को लिख दिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले देखो आपने पोजिशन लिख ली, कहाँ से लिखना है, 0 से लिखना है, 0 1 2 3, लाइक दिस. फिर आपने क्या किया, पोजिशनल वैल्यू निकाली. पोजिशनल वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी बेस है, जो भी नंबर सिस्टम है उसका बेस यूज़ करोगे, ओके. और उसकी जो पार होगी वो क्या होगी, उस पर्टिकुलर डिजिट की पोजिशन होगी. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद द रिस्पेक्टिव पोजिशनल वैल्यू. अब जो भी डिजिट है, बाइनरी नंबर है या ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है, जो भी डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे आप उनकी पर्टिकुलर पोजिशनल वैल्यू से. तो मेरा फर्स्ट जो बाइनरी नंबर है वो 1 है, तो 1 into 2 raised to power 0, तो 2 raised to power 0 क्या कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा 1, राइट. देन 0 into 2 raised to power 1, ये तो 0 ही हो जाएगा. ठीक है, 1 into 2 raised to power 2, 1 into 2 raised to power 3, लाइक दिस, ओके. मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको आपको ऐड करना है, ऐड ऑल दीज डेसिमल वैल्यूज टू गेट द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स. मल्टीप्लाई करके क्या करना है, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको आपको ऐड करना है. तो यहाँ पे देखो 1 into 2 raised to power 3 का आपके पास 8 आ गया, 8 प्लस 1 into 2 raised to power 2 का आपके पास 4 आ गया, प्लस 0 एंड प्लस 1, ओके. तो ये आपके पास जो डेसिमल नंबर निकल के आया है वो है 13, राइट. तो ये प्रोसेस आपको जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं, लाइक ऑक्टल है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, तीनों में फॉलो करना है. तो अब तीनों को देखते हैं हम 1 by 1, ओके. सबसे पहले हमने लिया है बाइनरी टू डेसिमल. वैसे मैंने अभी आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको दिखा भी दिया है. राइट द पोजिशन, ये जो मैंने करके दिखाया था, राइट द पोजिशन नंबर फॉर ईच डिजिट इन द गिवन नंबर. पोजिशन, सबसे पहले पोजिशन निकली, सबसे पहले आपने अपनी डिजिट लिख ली, ये आपका डिजिट्स हैं. ठीक है, 1 0 1 1 0 1 1 आपका बाइनरी नंबर है. अब आपने उनकी पोजिशन लिख ली, 0 1 2 3 पोजिशन आपने लिख ली है, ओके. अब आपने पोजिशनल वैल्यू निकालनी है. पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंस बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2, द पोजिशनल वैल्यूज आर कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 2. तो यहाँ पे आप पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी बेस है, राइट, उसकी पावर, आप जो उसकी पार होती है वो क्या होती है, पोजिशन नंबर होती है. तो यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई. नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, पोजिशनल वैल्यू, जो आपकी पोजिशनल वैल्यूज़ हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया डिजिट्स के साथ. ठीक है, 1 के साथ, यहाँ पे जो भी डिजिट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. और इन द एंड आपने जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स था, ओके, उनको क्या कर दिया, एंड, राइट. तो आपका 13 आ गया, राइट. ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाया था. एक एग्जाम्पल और देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का, ओके. अब यहाँ पे देखो, कन्वर्ट नंबर दिस टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर. आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो हमारे पास डिजिट क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो तीन डिजिट हैं, ये तो ये कहाँ है, बिफोर द डेसिमल पॉइंट है, ओके. ओके, यहाँ पे हम एक डेसिमल लगा देते हैं जिससे पता चलेगा. और ये जो तीन डिजिट है वो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट है. अब इनकी पोजिशन क्या होगी, इसकी पोजिशन होगी, यहाँ से हम काउंट करेंगे ना पोजिशन, बिफोर द डेसिमल पॉइंट. इसकी 0 हो गई और इसकी 1 एंड इसकी 2, 0 1 2. अब देखो डेसिमल पॉइंट के बाद जो पोजिशंस होंगी वो कैसे काउंट होंगी, -1, इसकी आपकी -1 होगी, ओके. देन -2 -3, ऐसे ही इसकी आगे तक चलती जाएगी, राइट. अब पोजिशनल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, बेस रेज टू द पावर ऑफ पोजिशन नंबर.
तो 2^5, 2^1, 2^2। और आफ्टर जो डेसिमल पॉइंट है उसकी कैसी होगी, 2^-1, 2^-2 एंड 2^-3। राइट, अब आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर निकालना है। डेसिमल नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंडिविजुअल जो आपका पोजिशनल वैल्यू है उसको आप इंडिविजुअल डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देखो 1 × 2^1, तो ये क्या हो गया 1 × 1, क्योंकि 2^0 को क्या कंसीडर किया जाता है, 1 कंसीडर किया जाता है। 1 × 2^0 इक्वल टू 1 × 1 इक्वल्स टू 1। ओके, 1 × 2^1 इक्वल्स टू 2। ओके, 1 × 2^2 इक्वल्स टू 4। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे। अब 1 × 2^-1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया 1/2। ओके, देन 0 × 2^-2 ये आपका 0 हो गया। एंड 1 × 2^-3 1/8। राइट, अब देखो आपको आपका जो भी रिजल्ट इंडिविजुअल जो टर्म्स आए हैं रिजल्ट आए हैं उसको आप ऐड करोगे। आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, पहले इसको आप ऐड करोगे एंड इसको आप अलग ऐड करोगे लाइक दिस, क्योंकि ये जो आपका जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, डेसिमल वाला पार्ट है, और ये क्या है आपका इंटीजर पार्ट है। तो यहाँ पे इसका आ गया 7, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट निकल के आ गया 0.625। राइट, ये करके देख लेना 0.625। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बाइनरी नंबर था उसका डेसिमल कन्वर्जन क्या है, 7.625। राइट, ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन सेम है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पार लेनी है, बेस जो वैल्यू लेनी है वो 8 लेनी है। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर है। राइट द पोजीशन नंबर फॉर ईच डिजिट इन द गिवन नंबर। आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये हमारे पास एक नंबर है 257। राइट, ये आपका ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर की सबसे पहले आपने डिजिट लिख ली 7, 5 और 2, 2, 5, 7। आपने डिजिट लिख दी, अब इनकी पोजीशन देखो, 7 की पोजीशन 0 है, 5 की 1 है एंड 2 की 2 है। ओके, पोजिशनल वैल्यू अब इनकी निकालेंगे। इनका बेस जो ऑक्टल नंबर है उसका उसकी बेस वैल्यू 8 होती है, तो 8^0, 8^1, 8^2 हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर कैसे आपका आएगा, यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं नंबर का, 7 × 8^0, ओके, 5 × 8^1, ओके, 2 × 8^2, ओके, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया 128+40+7, ओके, एंड इसके बाद आपका डेसिमल नंबर आ गया है 175। राइट, तो 257 आपका ऑक्टल नंबर था जिसको आपने कन्वर्ट किया डेसिमल में, और डेसिमल में ये क्या आया है, 175 आया है। राइट, ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं ऑक्टल नंबर का। कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 24.1 टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे डिजिट आ गई, देखो ये ध्यान रखना, ये जो 1 है वो डेसिमल के बाद है, तो ये आ गया 4 एंड 2। ओके, 4 की पोजीशन क्या होगी, 0, 2 की पोजीशन होगी 1, और इस वाले 1 की पोजीशन होगी -1, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद है। राइट, अब पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालोगे, आप बेस वैल्यू रेज टू द पावर ऑफ पोजीशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 8^0, 8^1, और यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 8^-1। फाइन, अब डेसिमल नंबर हम कैसे निकालेंगे, जो इंडिविजुअल डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे पोजिशनल वैल्यू से। तो यहाँ पे 4 × 8^0 जो कंसीडर होगा 1। राइट, 2 × 8^1, तो ये आपके पास 16 आ गया, ये आपके पास 4 आ गया, और 1 × 8^-1। ओके, तो यहाँ पे ये क्या चला जाएगा, 1/8 हो जाएगा। फाइन, और इसका जो रिजल्ट आया वो आया 0.125। राइट, अब हम जो इंडिविजुअल जो रिजल्ट आया उसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे 16+4+1.125। राइट, तो आपका आंसर आ गया 20.125, ये आपका डेसिमल नंबर है। 24.1 आपका ऑक्टल नंबर था, 20.125 आपका डेसिमल नंबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, बेस वैल्यू 16 लेनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी डिजिट लिख लेनी है। हमारे पास एक नंबर है 3A5, तो एक यहाँ पे क्या है 10 है, लेकिन हमने उसको एज अ सिंबल, तभी तो अल्फा न्यूमरिक वर्ड मैंने यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए को यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पे अपना अल्फा न्यूमरिक डिजिट्स लिख लिए हैं 5A3। राइट, इनकी पोजीशंस क्या होगी, 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2 हो गई। फाइन, पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालोगे आप, बेस वैल्यू रेज टू पावर पोजीशन नंबर।
तो 16 raised to power 0, 16 raised to power 1, 16 raised to power 2. ओके, अब आप डेसिमल नंबर कैसे निकालोगे? जो भी आपके नंबर में इंडिविजुअल डिजिट्स हैं मल्टीप्लाइड विद द पोजिशनल वैल्यू, 5 into 16 raised to power 0, ओके, और ए की वैल्यू क्या होती है 10, 10 into 16 raised to power 1 एंड 3 into 16 raised to power 2. ओके, तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 16 raised to power 0 है तो ये 1 कंसीडर होगा, 5 + 160 + 768 एंड आपका जो नंबर आया है वो है 933 डेसिमल नंबर. फाइन, तो यहाँ पे आपने क्या कन्वर्ट किया है, आपने यहाँ पे हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया है डेसिमल नंबर में. ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन का. हमारे पास नंबर है 1C4. ओके, तो यहाँ पे सी क्या है आपका 12 है, राइट. ओके, तो डिजिट हमने लिख लिया 4C1, राइट. आपको हेक्साडेसिमल नंबर का पता है 10 को क्या कंसीडर किया जाता है, ए, राइट, और 11 को आप मानते हो बी, तो सी आपका क्या है 12 है. फाइन, सी क्या है आपका 12 है. ओके, पोजीशन नंबर लिख लेंगे, 4 की पोजीशन होगी 0, सी की पोजीशन 1 एंड यहाँ पे 1 की पोजीशन 2. पोजिशनल वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 16, क्योंकि इसकी हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू क्या है 16, 16 raised to power 0, 16 raised to power 1, 16 raised to power 2, राइट. अब डेसिमल नंबर हम कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल जो उसकी डिजिट है, ओके, इनटू पोजिशनल वैल्यू. तो आपकी 4 into 16 raised to power 0, 12 इनटू सी की वैल्यू क्या है 12, 12 इनटू 16 raised to power 1, ओके, देन 1 into 16 raised to power 2, राइट. तो आपका रिजल्ट निकल के आ गया 256 192 4. अब आप इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, जिससे आपका डेसिमल नंबर निकल के आ जाएगा. इन तीनों जो टर्म्स को आपने क्या किया, ऐड किया, 452 आपका डेसिमल नंबर निकल के आ गया. फाइन, तो यहाँ पे जो आपका 1C4 था, 1C4 क्या था आपका हेक्साडेसिमल नंबर था, वो कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल में 452, राइट. आप बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह कैसे आप ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम में 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करता है एंड 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट. तो यहाँ पे आप देखो, अ बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 3 and 4 bits रिस्पेक्टिवली एंड रिप्लेसिंग ईच ग्रुप बाय इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल डिजिट. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम के 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो एक ऑक्टल नंबर से, राइट. 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो एक ऑक्टल नंबर से एंड 4 बिट के कॉम्बिनेशन को आप रिप्लेस कर सकते हो एक हेक्साडेसिमल नंबर से, राइट. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई 3 बिट्स इन अ बाइनरी नंबर आर ग्रुप टुगेदर टू गेट ऑक्टल नंबर. बाइनरी नंबर के 3 बिट्स ही आपको क्यों चाहिए एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, द बेस वैल्यू ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8. आपको पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है. कन्वर्ट वैल्यू 8 इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2, और बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू क्या होती है 2, राइट. अगर हम 8 को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरी डिजिट, राइट, तो ये क्या होगा, 8 = यहाँ पे देखो 8 = 2 raised to power 3, राइट. यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, हैंस 3 binary digits आर सफिशियंट टू रिप्रेजेंट ऑल 8 octal digits. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप 3 binary digits का यूज़ करके, ओके, जितने भी आपके पास ऑक्टल नंबर हैं, आपके पास कितने ऑक्टल नंबर हैं, 8 octal digits हैं, राइट. तो 3 binary digits का यूज़ करके आप 8 के 8 octal digits को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाई 4 bits इन अ बाइनरी नंबर आर ग्रुप टुगेदर टू गेट द हेक्साडेसिमल नंबर. हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी नंबर के 4 bits का रिक्वायरमेंट क्यों है, राइट. ओके, तो यहाँ पे देखो, बेस वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू क्या होती है, 16 होती है, राइट. अगर हम इसको बाइनरी नंबर्स में देखो, राइट, वैल्यू 16 इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2, और बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू क्या है 2, राइट. अगर आप इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, 16 = 2 raised to power 4,
राइट, बाइनरी नंबर सिस्टम की 4 बिट्स आपको यहाँ पे चाहिए, हेंस 4 बाइनरी डिजिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट ऑल 16 हेक्साडेसिमल सिंबल्स, राइट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के 4 डिजिट्स आपके 16 हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो फर्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने से पहले ये टेबल देखेंगे। सबसे पहले आपको मैंने अभी क्या बताया, 3 बिट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करता है 1 ऑक्टल नंबर को, फाइन। तो आप इसको, इस टेबल को आप खुद से कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो बाइनरी नंबर का बेस है, राइट, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है, तो वहाँ उसको आप देखोगे 2^0, राइट। आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो बाइनरी नंबर को, 2^0, ये क्या है, यूनिट प्लेस है, 2^1, 2^2, राइट, ओके। तो 2^0 क्या होगा, 1, ओके, 2^1 क्या होगा, 2, एंड 2^2 क्या होगा, 4, ओके। हमें क्या करना है, 3 बिट्स बाइनरी नंबर्स को लेना है। तो सबसे पहले ऑक्टल का जो 0 नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसके प्लेस पर 1, 2 एंड 4 के प्लेस पर 0, 0, 0 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अगर 0 रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, 0 को रिप्रेजेंट करोगे बाय यूजिंग 3 0 ओनली, राइट, 0, 0 एंड 0, फाइन। अब ऑक्टल का आपको 1 रिप्रेजेंट करना है, तो देखो 1 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया आपका 1, तो आप क्या करोगे, 1 की प्लेस पे आपका 1 आ जाएगा, फाइन, और जो बाकी की प्लेस है वहाँ पे आपका 0, 0 आ जाएगा, राइट, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1, 0, 0, 1 इज ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1, फाइन। अब ऑक्टल नंबर 2 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, 2 के प्लेस पे 1 कर दोगे, राइट, और 4 एंड जो आपका 1 है उसके प्लेस पे आ जाएगा 0, 0, ओके। नाउ अगर आपको 3 करना है तो आप क्या करोगे, 2+1, 3 होता है, तो आपके 2 के प्लेस पे 1 आ गया एंड 1 के प्लेस पे 1 आ गया, 2+1, 3 हो गया, और आपका 4 के प्लेस पे 0 आ गया, तो ये आपका 0, 1, 1 क्या हो गया, 3, फाइन। अब 4 आपको रिप्रेजेंट करना है, 4 पे, तो 4 के प्लेस पे आपने 1 को प्लेस किया है, ठीक है, मतलब जो भी डिजिट आपको रिप्रेजेंट करनी है वहाँ पे आप 1 प्लेस करोगे, बाकी डिजिट पे आप क्या कर दोगे, 0, ओके, सॉरी, बाकी बिट्स पे आप कर दोगे 0, ओके। तो यहाँ 4 के प्लेस पे 1 आ गया, बाकी आपका 0, 0। तो अगर आप बताओगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4, तो वो क्या है, 1, 0, 0, राइट। ऐसे ही आप 5 देखो, 5 आपने क्या किया, 4+1, तो ये आपका 5 आ गया, और 2 के प्लेस पे आपने 0 को यहाँ पे प्लेस कर दिया है, राइट। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 इज 1, 0, 1, ओके। नाउ 6 आप कैसे करोगे, 4+2, तो 4 के प्लेस पे आपने 1 यहाँ पे प्लेस किया है, 2 के प्लेस पे 1 किया है, राइट, और 1 जो बचा है वहाँ पे आपने कर दिया 0, ओके। अब हमारे पास है 7, तो 7 में क्या होगा, 4+2+1, राइट, 1, 1, 1, ओके। तो ये टेबल आपको आनी चाहिए, इसकी हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। अब हम देखेंगे कैसे एक बाइनरी नंबर को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, फाइन। डिवाइड द गिवन बाइनरी नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स ईच फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर द इंटीजर पार्ट एंड लेफ्ट टू राइट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। आपके पास अगर बाइनरी नंबर है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आप उस बाइनरी नंबर के ग्रुप्स बनाओगे, राइट, 3-3 बिट्स के ग्रुप्स बनाओगे, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब राइट से लेफ्ट में जाना है इंटीजर पार्ट के लिए एंड लेफ्ट से राइट में जाना है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, ओके। ये मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझाऊंगी। आपने क्या किया, 3-3 बिट्स के ग्रुप बना लिए बाइनरी नंबर के। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस ईच ग्रुप बाय इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। तो जो 3 बिट्स का आपने कॉम्बिनेशन बनाया है उस पे, उसके प्लेस पे आप उसका ऑक्टल जो नंबर है वो उसको लिख दोगे, राइट। नाउ इन केस नंबर ऑफ बिट्स इन अ बाइनरी नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मान लो आपका क्या है, 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है स्टार्टिंग में या एंडिंग में, तो आप क्या करोगे, देन एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस टू मेक अ परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। तो इस केस में आप जीरोस को ऐड कर सकते हो 3 ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ओके। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझेंगे। देखो हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ 3-3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बना लिया, 1, 0, 0, 1, 0, 1 एंड 0, 1, 0, राइट, ये आपका 3 बिट्स। अब यहाँ पे देखो नंबर क्या था आपका, ये 1, 0, 0,
ओके अब देखो इंटीजर पार्ट के लिए आपको कैसे करना है, आपको राइट से लेफ्ट में जाना है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये आपका फर्स्ट बनेगा 100, देन ये आपका सेकंड बनेगा 101. अब यहाँ पे देखो 10 जो आपका बचा है 10 बचा है, तो इसके इसलिए हमने 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यहाँ पे 0 को ऐड कर दिया. फाइन, मेक ग्रुप ऑफ 3 बिट्स ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर राइट टू लेफ्ट. ओके, अब देखो अब आपने क्या किया है, 3 ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन बना लिया है, राइट. तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, सिंपली जो 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन है उसको रिप्लेस करना है ऑक्टल नंबर से. फाइन, राइट ऑक्टल नंबर्स फॉर ईच 3 बिट ग्रुप. ओके, तो अब यहाँ पे देखो 100 आपका क्या है, 100 आपका ये रिप्रेजेंट करता है 4. आपने 100 के प्लेस पे 4 ऑक्टल नंबर लिख दिया, ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका 101 आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, 5. आपने तो 101 के प्लेस पे आपने 5 को लिख दिया है. ओके, द नेक्स्ट आपका क्या है 010. ओके, 010 तो यहाँ पे देखो 010 तो ये आपका क्या आ गया 2, राइट. तो ये आपका यहाँ पे फिर इसका रिजल्ट क्या है, जो आपका बाइनरी नंबर था वो कन्वर्ट हो चुका है आपका ऑक्टल नंबर में 254, राइट. दिस इज योर ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर. ओके, और यू कैन सी यहाँ पे 254 क्या है, ये कन्वर्ट होके आया है जो भी जो आपने यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया था. फाइन, ओके. अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे, बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, राइट. तो ये आपके पास क्या है, बाइनरी नंबर है जिसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे बिट्स का, 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे. तो जो आपका इंटीजर पार्ट है उसमें आप क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे. आपने पहले 111 का ग्रुप बनाया, ओके, देन आपने 011 का ग्रुप बनाया, 011, ओके. अब आपके पास सिर्फ 1 बचा है, तो आपने क्या किया, 100 इसका ग्रुप बना लिया. फाइन, ये आपका इंटीजर पार्ट हो गया. फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो आपने यहाँ पे बनाया 110 का ग्रुप, ये आपका 110 का ग्रुप हो गया. अब आपके पास 11 बचा है, तो आपने यहाँ पे 0 को ऐड कर दिया, ठीक है, एंड में. तो ये आपका बन गया है. अब हमें सिंपली क्या करना है, आपने 3 बिट्स के ग्रुप बना लिए. अब यहाँ पे हम सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे इसके ऑक्टल इक्विवेलेंट के साथ, राइट. तो अब देखो 111 जो आपका 111 है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है, इसका है 7, राइट. आपने 7 यहाँ पे लिख दिया. देन 110 इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है, 6. आपने यहाँ पे 6 लिख दिया. देन 001 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को. तो यहाँ का इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है, 1. फाइन, ऐसे 110 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, एंड 110 अगेन यहाँ पे इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर क्या है, 6. फाइन, तो सिंपली ये आपका एक जो बाइनरी नंबर आपने दिया था उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है. तो ये क्या है हमारे पास, 167.66, राइट. अभी आपने क्या किया था, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन किया था. अब हम करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, राइट. सेम टेबल का यूज किया जाएगा यहाँ पर भी. कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट इन 3 बिट्स बाइनरी फॉर्म. तो आपको क्या करना है, जो आपके पास ऑक्टल नंबर दिया गया है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनको 3 बिट्स बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट. हमारे पास टेबल है, मान लो अगर 1 दिया गया है तो आप 1 के प्लेस पर लिख दोगे 001, राइट. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट करना है. उसके बाद क्या करना है, जितने भी बाइनरी बिट्स आए हैं उनको आप कंबाइन कर दोगे, और कंबाइन होने के बाद क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर. फाइन, तो इसको एग्जांपल की हेल्प से आप समझेंगे. कन्वर्ट 705, ये आपका क्या है, ऑक्टल नंबर है, इसको आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है. तो आपने यहाँ पे क्या किया, ऑक्टल डिजिट्स को लिख लिया 705. ओके, अब जो 7 है, राइट, इसका आप क्या करोगे, राइट 3 बिट्स बाइनरी वैल्यू फॉर ईच डिजिट. तो हम 3 बिट्स, जो इसकी 3 बिट्स रिप्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पे लिखेंगे, राइट. 7 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, राइट, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 111, तो आपने 7 के प्लेस पे क्या लिख दिया, 111. 0 के प्लेस पे आपको आपने क्या लिखा, 000, राइट, बिकॉज 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 000. नाउ 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 101, राइट. आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 101, राइट. सिंपली आपने क्या किया, ऑक्टल डिजिट्स को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी बिट्स में, ओके, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स जो आपको इस टेबल के थ्रू पता है, राइट.
अब आपको क्या करना है, इनको कंबाइन कर लेना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे आपको इसको कंबाइन करना है। आपने इसको कंबाइन कर लिया तो अभी यहाँ पे 705 जो आपका ऑक्टल नंबर था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये है 1110001, ओके ओके। अब एक एग्जांपल और देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्टल नंबर है 167.66, ओके, ये आपका फ्रैक्शनल नंबर है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आपने ऑक्टल डिजिट्स को यहाँ पे लिख दिया, फाइन। ऑक्टल डिजिट्स को यहाँ पे आप लिख दोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाइनरी इक्विवेलेंट्स को आपको लिखना है। आपने वन के बाइनरी इक्विवेलेंट को लिखा, वन का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 001, राइट। देन आपने सिक्स का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया तो इसका क्या है 110, ओके। सिंपली आपने ऑक्टल डिजिट्स को कन्वर्ट किया है बाइनरी बिट्स में, ओके। देन सेवन, सेवन का क्या है आपका बाइनरी इक्विवेलेंट 111। देन अगेन सिक्स, इसका क्या है 110 एंड 6110, फाइन। तो इस कन्वर्जन के लिए आपको ये टेबल आनी बहुत जरूरी है और मैंने आपको बता दिया ये टेबल आप कैसे बनाओगे, फाइन, ओके। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको कंबाइन करके आप यहाँ पे लिख दोगे। तो हमने इसको कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया। अगर आप चाहो तो ये जो आपके पास जीरोज हैं आप स्टार्टिंग के एंड एंडिंग के जीरो को आप कट कर सकते हो, फाइन। तो सिंपली ये हो जाएगा 111011, ओके, 0.111, फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू द हेक्साडेसिमल नंबर। आप बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, राइट। अब देखो, आपने जब बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो आपने क्या किया था, बाइनरी जो नंबर था उसमें 3 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाया था। अब हेक्साडेसिमल के केस में आप 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाओगे, ओके। डिवाइड द गिवन बाइनरी नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स ईच फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर द इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट के लिए आप जो कॉम्बिनेशन बनाओगे वो राइट टू लेफ्ट की तरफ बनाओगे, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो आप कॉम्बिनेशन बनाओगे बिट्स का वो कहाँ से कहाँ बनाओगे, लेफ्ट टू राइट, ओके। नाउ रिप्लेस ईच ग्रुप बाय इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, और जो बिट्स होंगे उसको फिर आप रिप्लेस कर दोगे उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर से, ओके। इन केस नंबर ऑफ बिट्स इन अ बाइनरी नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, देन एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस टू मेक अ परफेक्ट ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। और अगर यहाँ पे 4 बिट्स का ग्रुप नहीं बनता है स्टार्टिंग में या एंडिंग में, तो आप जीरोस को ऐड कर सकते हो, ओके। अब देखो, यहाँ पे आपको ये टेबल आनी बहुत ज़रूरी है, 4-बिट बाइनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। तो देखो, बाइनरी नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपका जो फर्स्ट होता है बाइनरी डिजिट उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 2^0, देन 2^1, देन 2^2, देन 2^3, बिकॉज हमें यहाँ पे 4 बाइनरी बिट्स लेने हैं, फाइन। तो आप 2^0 क्या होगा 1, 2^1 आपका 1 हो गया 2, 2^2 आपका हो गया 4, एंड 2^3 आपका हो गया 8, राइट। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो बाइनरी बिट्स उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जीरो के प्लेस पे क्या होगा, आपके पास 4 जीरोस आ जाएंगे, 4 बिट्स आ जाएंगे जीरोस के। अब आपको वन करना है तो आपने वन के प्लेस पे वन लिख दिया, बाकी सारे क्या है आपके जीरो, ओके। टू आपको रिप्रेजेंट करना है तो टू के प्लेस पे आपने वन लिख दिया, ठीक है, ये आपका टू है, इसके प्लेस पे आपने वन लिख दिया, बाकी ये जो प्लेसेस है वहाँ पे आ जाएगा जीरो। अब आपको 3 रिप्रेजेंट करना है तो 2+1 3, तो आपने 2 एंड यहाँ पे 1 के प्लेस पे 1 कर दिया, और बाकी जो 8 एंड 4 है उसके प्लेस पे आ जाएगा 0। नाउ 4 रिप्रेजेंट करने के लिए आपने 4 के प्लेस पे 1 कर दिया, बाकी जो प्लेसेस हैं उन पे आ जाएगा 0, ओके। 5 रिप्रेजेंट करना है तो 4+1 आपका 5 होता है, तो 4 के प्लेस पे 1 आया है और 1 के प्लेस पे 1 आया है, ठीक है, और बाकी प्लेसेस पे आपका आ गया 0। नाउ 6 कैसे होगा आपका, 5 आपने कर दिया, 6 रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या किया, 4 के प्लेस पे 1 आ गया एंड 2 के प्लेस पे 1 आ गया, ठीक है। तो 4+2 आपका हो गया 6, बाकी प्लेसेस पे 0। नाउ 7 के लिए आपने क्या किया, 4+2+1, ओके, एंड यहाँ पे बाकी प्लेसेस पे आ गया आपका 0। नाउ 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या किया, 8 के प्लेस पे 1 कर दिया है, बाकी प्लेसेस पे आपका आ गया है 0, ओके। नाउ वी हैव 9 के लिए करने के लिए आपने क्या किया, 8+1, ठीक है, तो 8 के प्लेस पे बना गया और यहाँ पे 1 के प्लेस पे बना गया, बाकी प्लेसेस पे 0। नाउ 10 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, 8+2, राइट, 8+8 के प्लेस पे 1 आ गया, 2 के प्लेस पे 1 आ गया, बाकी प्लेसेस पे आपका आ गया 0।
नाउ वी हैव 11, 11 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 8 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, तो 8 के प्लेस पे 1 है, 2 के प्लेस पे 1 है एंड 1 के प्लेस पे 1 है और यहाँ पे आ गया 0. देन 12 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 8 प्लस 4, ठीक है, 8 प्लस 4 आपका हो गया 12 एंड बाकी प्लेसेस पे आ गया 0. देन 13 आपने क्या किया, 8 प्लस 4 प्लस 1, राइट, ओके, एंड आपका बाकी प्लेसेस पे आ गया 0. देन 14 के लिए आपने क्या किया है, 8 प्लस 4 प्लस 2, ये आपका 14 बन गया, ठीक है. एंड 15 के लिए क्या हुआ आपका, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये आपका 15 हो गया, राइट, ओके. तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर लोगे जिससे कि आप इजीली कन्वर्जन कर सको, ओके. नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ओके. नाउ हियर वी हैव द एग्जांपल, कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू दिस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर टू द हेक्साडेसिमल नंबर, राइट. तो आपको क्या करना है, आपको ये हमारे पास क्या है, इंटीजर बाइनरी नंबर है, तो आप क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट आप 4 बिट्स के ग्रुप बनाओगे, राइट टू लेफ्ट. तो आपने पहले ये लिया राइट टू लेफ्ट क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक है. तो हमारा फर्स्ट ग्रुप ये है 0011, सेकेंड आपका ग्रुप क्या है 0101, ये आपका सेकेंड ग्रुप है. उसके बाद आपके पास क्या बचा, 1 बचा, ठीक है, एंड 0 बचा. तो आपने 2 जीरो और ऐड किए हैं जिससे कि 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बन जाए, फाइन. तो ये आपका यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया, 4 बिट्स के आपने कॉम्बिनेशंस बना ली. अब आप इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर लिख दोगे, तो यहाँ पे आपका 1100 का इक्विवेलेंट क्या है, सी, राइट, ओके. ए क्या होता है आपका, 10 होता है, फाइन. ए आपका 10 होता है, बी आपका 11 होता है, देखो बी आपका 11 है. तो ये हमारा सी कैसे है, देखो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया एंड ये आपका 8 हो गया, राइट. तो ये आपका क्या है, सी क्या है, 12 है. तो आप 8 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, राइट. तो ये आपका क्या है, 12. नेक्स्ट आपका क्या है, ए, ए है फिर से देखो 1 2 4 8 1 2 4 8. तो 8 के प्लेस पे 1 है एंड 2 के प्लेस पे 1 है, ठीक है, 8 के प्लेस पे 1 है, 2 के प्लेस पे 1 है. तो ये हो जाएगा 10 आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ए, राइट, एंड 0001. तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, 1 है, राइट. सिंपली आपने क्या किया, 4 बिट्स की कॉम्बिनेशन क्रिएट किए बाइनरी नंबर के और उसको रिप्लेस कर दिया आपने ऑक्टल इक्विवेलेंट के साथ. तो ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर आ गया, फाइन. अब देखो कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू द हेक्साडेसिमल नंबर. अब हमारे पास एक और बाइनरी नंबर है जिसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, फाइन. तो ये आपके पास देखो यहाँ पे आपने क्या किया, जो इंटीजर पार्ट है उसके 4 बिट्स के ग्रुप बनाए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो आपने 1110, अब आपके पास 111 बचा, आपने इसमें भी एक जीरो ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया, फाइन. अब हमने जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके कैसे आपको 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका बना 1101, अब आपके पास एक 1 बचा है तो आपने 3 उसमें जीरोस ऐड कर दिए हैं टू क्रिएट 4 बिट ग्रुप, राइट. अब देखो ये 7 आएगा कैसे, आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2, ठीक है, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 0 हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 हो गया बाइनरी इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ये भी आपका 7 है, ठीक है. अब ये बनता है आपका डी. डी कैसे बनता है, इसको आप करके देख लोगे 1, ठीक है, 2 4 एंड 8. तो किसके प्लेस पर 1 है, 8 के प्लेस पर, 4 के प्लेस पर एंड 1 के प्लेस पर. तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये हो गया 8 प्लस 4, ये 12 हो गया, राइट, फाइन. 8 प्लस 4 आपने क्या किया, 12, ओके, एंड प्लस 1, राइट, प्लस 1 तो ये हो गया आपका 13, राइट, ये 13 हो गया. और 13 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डी से, राइट. तो ये आपका हो गया डी. नाउ वी हैव 8 यहाँ पे देखो 1 2 4 एंड 8. तो 8 के प्लेस पे 1 है तो आपका ये वाला जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, 8 है, फाइन. तो अब देखो जो आपके पास बाइनरी नंबर था उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 77.D8, राइट, ओके. अब हम कन्वर्ट करेंगे, अभी आपने क्या किया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किया था, अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन,
ओके, कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इन 4-बिट बाइनरी फॉर्म। तो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर में जितने भी हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उनको आपको कन्वर्ट कर देना है 4-बिट बाइनरी फॉर्म में। फाइन, कंबाइन ऑल दिस ग्रुप ऑफ 4-बिट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट टू द राइट मोस्ट टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर। फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने बाइनरी बिट्स में कन्वर्जन किया है उन बाइनरी बिट्स को आपको कंबाइन कर देना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फाइन, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 2, 3D, राइट। तो आप क्या करोगे, इसमें इसके डिजिट्स वाइज इसको लिख लोगे 2, 3 and D, और उसके बाद आपको इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, सॉरी हाँ यस, उसके बाद आपको इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेना है। डी का आपका हो गया 1101, 3 का आपका हो गया 0011 एंड 2 का आपका हो गया 0010। ये आपको लिखना आता है, देखो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो 1, 2, 4 and 8, राइट, 1, 2, 4 and 8। तो 8 + 4 आपका हो गया 12 + 1, 13। तो 13 किसको रिप्रेजेंट करता है, डी को, तो आपने डी लिख दिया। और यहाँ पे देखो 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 प्लेसेस पे आपका 1 है, तो ये आपका 3 हो गया। अब 2 के प्लेस पे आपका 1 है, 2 हो गया, राइट, ये आपको कन्वर्जन आता है। फाइन, तो आपने क्या किया है, जो आपके हेक्साडेसिमल नंबर थे उसके डिजिट्स के प्लेस पे आपने उसके 4-बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया है। फाइन, लेटर ऑन आप क्या करोगे, इनको कंबाइन कर दोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपने लेफ्ट टू राइट इसको कंबाइन कर दिया, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर आ गया हेक्साडेसिमल नंबर का। फाइन, ओके, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 77.D8, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिजिट्स की फॉर्म में लिख देना है, हेक्साडेसिमल डिजिट्स लिख दिया आपने 77.D8। फाइन, अब आपको क्या करना है, इसका बाइनरी बिट इक्विवेलेंट लिखना है। तो 7 का बाइनरी बिट इक्विवेलेंट क्या है, 0111, ओके, 0111 आपको आता है, 0111 कैसे होगा, 0111, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 1, 2, 3, 1, 2, 4 and 8, राइट। तो 4 + 2 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया। फाइन, 7, 7, और ये आपका डी, डी कैसे आया, 1101 को अगर आप कन्वर्ट करते हो, सिंपल आपको याद होना चाहिए, 1, 2, 4 and 8, राइट, 1, 2, 4 and 8, 4 + 1 आपका क्या, सॉरी 8 + 4 आपका क्या हो गया, 12 + 1, 13, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 के प्लेस पे आपके पास 0 है। तो यहाँ पे आपका, आप किस किस को ऐड करेंगे, 8 को प्लस 4 को प्लस 1 को, 13 आ गया। तो 13 क्या है, डी रिप्रेजेंट करता है। फाइन, देन वी हैव द 8, ठीक है, ये आपका 8 आ गया। फाइन, 8 कैसे आ गया, बाकी प्लेसेस पे 0 है, 8 के प्लेस पे आपका 1 है, राइट। तो अब इसको आप क्या करोगे, आपने बिट्स में इसको बाइनरी बिट्स इक्विवेलेंट लिख दिया, अब आप इसको कंबाइन कर दोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपने इस नंबर को लिख दिया है, ओके। अगर आप चाहते हो तो आप जो जीरोज है स्टार्टिंग एंड एंडिंग में उनको आप कट कर सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे आपका नंबर आ गया 1110111, ओके, 0.11011, ओके। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है। ऐसे आप ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और इन स्टेप्स को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 117.117 इनटू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, राइट। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डिजिट्स लिख लेने हैं, 117.117, राइट, दिस इज योर नंबर। राइट, नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट इन 3-बिट बाइनरी फॉर्म। आपको क्या करना है, जो ऑक्टल डिजिट है 117, इनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखो, आपको पता है मैंने आपको टेबल सिखाई थी कैसे बनाते हैं टेबल। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका आ गया 1, देन आपका हो गया 2 एंड आपका आ गया 4, राइट। बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट हो गया 2^0, ये आपका है 2^1 और ये आपका है 2^2, राइट। तो अगर मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है तो 1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, बाकी 2 प्लेसेस पे 0 आ जाएगा, ओके। तो क्या आ जाएगा आपका, 001, अगेन 1 का 001। अगर 7 आपको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में तो आप क्या करोगे, 4 + 2 + 1, ये आपका 7 हो गया, तो ये आ गया 111, राइट, ओके। ऐसे आपने यहाँ पे किया 001 आपका 1, ठीक है, 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है आपका 001, ओके, 001 एंड 7 का 111, राइट। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपने कंप्लीट किया, ऑक्टल डिजिट्स को आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, कंबाइन ऑल दीज ग्रुप्स ऑफ 3-बिट फॉर्म
फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट टू द राइट मोस्ट, राइट। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट तक आपके पास जितने भी बाइनरी डिजिट्स आए हैं, बिट्स आए हैं, उनको आप क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे। तो उनको हमने यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिया है, तो इस नंबर का बाइनरी फॉर्म तो ये आ गया है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हेक्साडेसिमल फॉर्म निकालना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, डिवाइड द 3-bit बाइनरी फॉर्म ब्लॉक ऑब्टेन इन स्टेप 1 इंटू 4-bit बाइनरी ब्लॉक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये आपने सबसे पहले क्या किया, ऑक्टल को कन्वर्ट किया बाइनरी में, ऑक्टल को कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बिट्स हैं, राइट, जो आपकी बाइनरी बिट्स हैं, उनको आपको 4-4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो जो इंटीजर पार्ट है उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये देखो यहाँ से पहले आपका आएगा ये वाला पार्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, 1111। अब नेक्स्ट क्या है आपका, 0010, ये आपका सेकेंड आ गया, ठीक है। जो इंटीजर पार्ट है उसे आप डिवाइड करोगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। ये ध्यान रखना, इंटीजर पार्ट को राइट टू लेफ्ट होगा, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट, ओके। इसको हम ऐसे करेंगे, अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमने किया 0010, 4 bits के ग्रुप बनाने हैं आपको, ठीक है। ये आपने फर्स्ट ग्रुप बनाया, देन आपने ये सेकंड ग्रुप बनाया यहाँ पर ऐसे, ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया, ओके। अब थर्ड ग्रुप में क्या है, आपके पास सिर्फ वन बचा है, तो आप क्या करोगे, 3 zeros को ऐड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 bits बनाने हैं, फाइन। अब देखो आपने क्या किया, बाइनरी जो आपके फॉर्म आई थी उसमें आपने बिट्स का 4-4 का ग्रुप बना लिया, ठीक है। इंटीजर में आपने कहाँ से कहाँ कैसे ग्रुप बनाए हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड आपने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रुप बनाया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, आपके पास 4 bits आ चुके हैं, 4-4 ग्रुप्स आ चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, रिप्लेस ईच ग्रुप बाय इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ओके। अब आप इसका जो आपका 4 bits का ग्रुप आया है, आप उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर लिखोगे, ओके। तो ये आपको पता है, इसी टेबल में हम क्या करेंगे, आगे कर देते हैं 8, ओके, और ये क्या होता है, 2 raised to power 3, फाइन, ओके। अब आपका जो फर्स्ट है 0010, तो अगर आप देखो 0 0 and 1 0, राइट, 1 कहाँ पे आया, 4 के प्लेस पे आया है, तो आपका फर्स्ट जो बाइनरी, सॉरी, इस बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 4, ठीक है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया 4। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं करती हूँ 1 1 1 and 1, तो 8 plus 4 आपका आ गया 12 plus 4 14 plus 1 15 आ गया, तो 15 किसको रिप्रेजेंट करता है, F को, राइट। आपने F यहाँ पे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया बाइनरी का। अब आपका पास है 0 1 0 and 0, तो यहाँ पे 2 के प्लेस पे 1 आया है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2। अब आपका क्या है, 1 1 1, ओके, 1 1 1 and 0, राइट, तो 4 plus 2 plus 1 3 आपका आ गया 7, ओके। अब आपके पास है 1 0 0 0, तो 8 के प्लेस पे 1 है, राइट, यहाँ पे लिख देती हूँ, 8 के प्लेस पे 1 है, और बाकी देखो तीनों प्लेसेस पे आपका 0 है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 8, राइट। तो आपने क्या किया है, बाइनरी जो आपके बिट्स आए थे ग्रुप, राइट, उसको आपने हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर उनके लिख दिए, फाइन। तो अब जो आपका ये ऑक्टल नंबर था उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 4F.2278, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का। हमारे पास ऑक्टल नंबर है 167.66, ओके, इसको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में आप कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर के डिजिट्स यहाँ पे लिख लिए हैं, फाइन। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3 bits बाइनरी फॉर्म में, राइट। तो उसके लिए हमने ले लिया, देखो मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया था, यहाँ पे 2 raised to power 0 कंसीडर होगा 1, ओके, 2 raised to power आपका यहाँ पे 1 कंसीडर होगा 2, ओके, एंड 2 raised to power आपका 2 कंसीडर होगा 4, ओके। बाइनरी नंबर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, फाइन। अब देखो 1 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 1 के प्लेस पे 1 आ गया, बाकी 2 places पे 0 0,
राइट, आपने वन का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया है. अब सिक्स का देखो, फोर प्लस टू सिक्स हो गया एंड टू के प्लेस पे जीरो आ गया, तो इसका हो गया 110. सेवन के लिए 111, ठीक है, फोर प्लस टू प्लस वन हो गया, ये आपका सेवन का आ गया. सिक्स का हम आपके पास है 110110, राइट. अब क्या करेंगे, इस बाइनरी फॉर्म को आप ज्वाइन कर दोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हमने इसको क्या किया, ज्वाइन करके यहाँ पे लिख दिया. आपके ऑक्टल नंबर का बाइनरी फॉर्म ये है. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में. ओके, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे इन फॉर्म ऑफ फोर बिट्स, राइट, इन ग्रुप ऑफ फोर बिट्स, राइट. तो और यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंटीजर पार्ट को आपको क्या करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिवाइड करना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को आपको डिवाइड करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो यहाँ से देखो, फर्स्ट ग्रुप आपने बनाया 1110, ये आपका 1110 आ गया. देन सेकंड ग्रुप आपने बनाया 1110, ये भी आपका 1110 आ गया. फाइन, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 1101 आ गया. अब आपके पास बचा 10, तो 10 में 20 आपने और ऐड कर दिए, तो आपका पास 1000 आ गया. फाइन, अब देखो हमने क्या किया, फोर बिट्स में डिवाइड कर दिया, फोर बिट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. फाइन, अब इसका आप क्या करोगे, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट करोगे. तो हेक्साडेसिमल के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 raised to power 3, जो क्या होगा 8, राइट. अब देखो ये जो हमारे पास बिट्स आई हैं 1110, ओके, ये क्या है, 7 है, 4 plus 2 plus 1, ठीक है, ये क्या हो गया 7, ओके, फाइन. एंड देन अब यहाँ पे देखो, ये जो आया, ये भी आपका क्या है, 7 है, ठीक है, 4 plus 2 plus 1 7 है ये आपका. अब देखो हमारे पास है 1101, तो कहाँ कहाँ बना है, 8 पे आया है, 4 पे आया है एंड 1 पे आया है, ठीक है. तो 8 प्लस 4 आपका क्या हुआ, 12 एंड प्लस 1 13, राइट, 13 आ गया. तो 13 को आप क्या कंसीडर करते हो, डी, राइट. ये आपको पता है ना, 0 to 9 होते हैं नंबर्स हेक्साडेसिमल में. उसके बाद 10 को आप क्या कंसीडर करते हो, 10 को हम कंसीडर करते हैं ए, ओके. 11 को आप कंसीडर करते हो यहाँ पे बी, ओके. 12 को कंसीडर करते हैं सी, राइट. तो यहाँ पे 13 आया है, वो क्या हो गया आपका, डी, आपने यहाँ पे डी दे दिया है, राइट. अब हमारा क्या है, 1000, ओके. तो 1 कहाँ पे आया, 8 के प्लेस पे आया, बाकी सारे प्लेसेस पे 0 है. फाइन, तो ये आपका कौन सा नंबर आया, 8, राइट. तो आपने कहा, इसको जो बाइनरी फॉर्म आई थी, फोर बिट्स का ग्रुप बनाया था आपने, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में. अब सिंपली आपको क्या करना है, इसको लिखना है. ये आपका ऑक्टल नंबर है जो कन्वर्ट हो चुका है हेक्साडेसिमल में, 77.D8, राइट. दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर, फाइन, ओके. अभी आपने किया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ओके. तो इसको हम क्या करते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे स्टेप्स को. आपका यहाँ पे दिया गया है, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर 4F.278 इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट. आपको इस नंबर को, हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. फाइन, अब देखो स्टेप्स क्या हैं. कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इन फोर बिट्स बाइनरी फॉर्म. आपको क्या करना है, जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट. तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. आपने फोर को यहाँ पे देखो, आप टेबल बना के रख लेना. तो फर्स्ट आपकी टेबल में 1 है, देन आपका 2 है, देन आपका यहाँ पे 4 है, देन ये आपका 8 है, राइट. 1 आपका है 2 raised to power 0, ये आपका है 2 raised to power 1, ये आपका है 2 raised to power 2 एंड ये आपका है 2 raised to power 3, ओके, ओके. तो मैं अगर यहाँ पे 4 मुझे चाहिए तो मैं 4 के प्लेस पे 1 करूँगी, बाकी दो जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे 0 आ जाएंगे, ठीक है, ओके. तो मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया 4 का 0100. अब मुझे F चाहिए. F क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे F आपका कंसीडर होगा, D हमारा था 13, ठीक है, D 13 होता है, तो E आपका 14 होता है, F आपका 15 होता है, राइट. तो हमें 15 चाहिए. 15 हम कैसे लिखेंगे, 8 plus 4 plus 2 plus 1, 8 plus 4 आपका 12 हो गया, 12 plus 2 हो गया 14 एंड प्लस 15, ठीक है. तो ये आपका आ गया F. देन 2 के प्लेस पे आपने 1 लिखा, बाकी सारे प्लेसेस पे आपका 0,
ओके, तो ये आपका 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। देन 7 में क्या करेंगे आप, 4 + 2 + 1 और 8 के प्लेस पे 0, ठीक है, 0111। अब 8 में आपको क्या करना है, 8 के प्लेस पे आपने 1 लिख दिया, बाकी 3 प्लेसेस पे आपका आ गया 0, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऑक्टल डिजिट्स का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन बिट्स को कंबाइन कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपने कंबाइन करके लिख दिया, राइट। अब हेक्साडेसिमल का बाइनरी फॉर्म तो आ गया, इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, और ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 3 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड करोगे, राइट। अब इंटीजर पार्ट को आप डिवाइड करोगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को आप डिवाइड करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ग्रुप बनाया 111, देन सेकंड ग्रुप बनाया 100, ठीक है, देन मैंने बनाया 1010 और ऐड कर दिया, ये आपका आ गया ग्रुप। अब फ्रैक्शनल पार्ट को भी आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपने 001, ठीक है, 001 111, और अब यहाँ पे सिर्फ 000 रह गया, जो 0 ही कंसीडर होगा, इसको छोड़ देते हैं, फाइन। अब देखो 3 बिट्स का ग्रुप बन गया। अब इसका हम ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे, 001 क्या होगा। अब यहाँ पे छोटी सी टेबल और बना लेती हूँ मैं, यहाँ पे आपका आ गया 4 2 1, 001 क्या होता है आपका, 1, राइट, आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। देन 001 1 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
0011 0011 1117, राइट। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन हो चुका है फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। सिंपली आपने इसको लिख दिया है, देयरफॉर 4F.278 इक्वल्स टू 1117, ठीक है, 1117.1117, ठीक है, ओके, 1117.1117, ओके, ये आपका कन्वर्जन हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर है आपके पास 167.66, आपको इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपके हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उनको आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपना सिंपल सा टेबल बना लेंगे, 1, ठीक है, 2, 4 एंड 8, ठीक है। 1 क्या है, 2 raised to power 0, देन दिस इज 2 raised to power 1, ये आपका है 2 raised to power 2, एंड ये आपका है 2 raised to power 3, ओके। 7 के लिए आप क्या करोगे, 1110, ओके, 4 plus 2 plus 1 7 होता है, तो इनके प्लेस पे आपने 1 किया, 8 के प्लेस पे आ गया 0, तो ये आपने लिख दिया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। अगेन 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट सेम है। अब डी क्या है हमारा, 13 है, ठीक है, डी 13 है, तो 13 के लिए आप क्या करोगे, 8 plus 4 12 हो गया, प्लस 1, और 2 के प्लेस पे आ गया 0, ठीक है। तो ये आपका डी का आ गया बाइनरी इक्विवेलेंट। देन 8 का, 8 के प्लेस पे आपने 1 लिख दिया, बाकी प्लेसेस पे आपने लिख दिया 0, ओके, तो ये आपका आ गया 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट, ओके। अब क्या करना है, इसको आपको कंबाइन कर देना है, बिट्स को कंबाइन कर दिया, ये आपका हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर में, तो ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इन बिट्स को हम 3, जो ये बिट्स आए हैं उनको 3 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, इंटीजर पार्ट को राइट टू लेफ्ट, ओके, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो सबसे पहले आपने बनाया 111, ये आपका 111 है, फिर आपने किया 011, ठीक है, ये आपका 011 है, फिर आपने किया 10 और एक 0 और ऐड कर दिया, क्योंकि 3 बिट्स लगानी है, ये आपका बन गया। अब इसको हम करेंगे लेफ्ट टू राइट, 110 110, ओके, फिर अगेन 110, ये आपका 110, और बाकी रेस्ट क्या है आपका, 2 0 बचे हैं, इसके साथ 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो 001 यहाँ पे हम अगर करें, अब ऑक्टल नंबर करें, तो यहाँ पे 4 2 एंड 1, सिर्फ 3 बाइनरी बिट्स लोगे आप, तो 001 क्या होगा आपका, 0, 4 के प्लेस पे 0, 2 के प्लेस पे 0, 1 के प्लेस पे 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब आपका आया 110 110, क्या होगा आपका, 4 plus 2 6, ये आपका 6 आ गया, 111, तो ये क्या हो गया, 4 plus 2 plus 1 7, राइट, 110 क्या है आपका, 6, 110 क्या है आपका, 6, राइट। तो यहाँ पे आपका 77.D8, राइट, ये आपका क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर, ये कन्वर्ट हो चुका है आपका ऑक्टल नंबर में 167.66, ओके।
ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.